Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. In this lecture, we will talk about steel and its types. So, steel or iske alloys kya kya hote hain? Hum ye cheezein dekhenge is lecture mein. So, in the previous lecture, aapne heat treatment ke baare mein padha tha. So, heat treatment mein aapne padha tha ki annealing kya hoti hai, aap carbonizing ke baare mein padha tha aapne. केस हार्डनिंग के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट और भी एप्लीकेशंस आपने देखे थी जहाँ पे स्टील जहाँ पे हीट ट्रीटमेंट यूज़ हो रही है. सो उस लेक्चर में आपने एक ही चीज़ कॉमन देखी होगी कि आप स्टील को अनील कर रहे थे, स्टील को कार्बनाइज कर रहे थे, स्टील को हार्डन कर रहे थे, स्टील को आप स्टील की डिफरेंट कंपोजिशन के बारे में आपने पढ़ा था कि कार्बन कंटेंट में से क्या इफेक्ट पड़ता है. कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा और कार्बन कंटेंट कम होगा तो स्टील के प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो यही चीज़ें हम देखेंगे इन डिटेल्स. सो स्टील के क्या क्या टाइप्स हैं, स्टील के अलॉयज कौन कौन से हैं और स्टील को कैटेगराइज किस तरह करते हैं बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट. सो लेट्स स्टार्ट. Steel is basically an alloy of carbon and iron with small percentage of other metals such as nickel, chromium, aluminium, cobalt, molybdenum and tungsten. So steel is an alloy of carbon and iron. So steel एक alloy है iron और carbon के. So यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि steel is not an element but it's a compound. So it's a compound of iron and carbon. सो मेजर परसेंटेज में आपके पास स्टील के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आयरन एंड कार्बन है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं लाइक निकल, क्रोमियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट. सो इस तरह के और भी बहुत सारे मेटल होते हैं स्टील के अंदर. सो वन फर्दर थिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाली ये है कि स्टील को कैटेगराइज ही इस बुनियाद पर करते हैं कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना ज़्यादा है. सो कार्बन कंटेंट 0.1 होगा तो उसे लो कार्बन स्टील कहेंगे, कार्बन कंटेंट 0.7 होगा तो इसको हाई कार्बन स्टील कहेंगे. उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. सो राइट नो आप ये याद रखिएगा कि स्टील को कैटेगराइज इस बुनियाद पर करते हैं कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना ज़्यादा है. कार्बन कंटेंट ज़्यादा करेंगे तो स्टील हार्ड होगा, कार्बन कंटेंट कम करेंगे तो स्टील सॉफ्ट होगा. उसके अलावा निकल क्यों ऐड करते हैं, क्रोमियम क्यों ऐड करते हैं, एल्यूमिनियम क्यों ऐड करते हैं, कोबाल्ट क्यों ऐड करते हैं और टंगस्टन वगैरह क्यों ऐड करते हैं. सो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे और इनके इफेक्ट्स लाइक होगा क्या, मतलब लाइक निकल ऐड करने से क्या होगा, स्टील के प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे. सो स्टील इज हार्ड, डक्टाइल एंड मेलेबल सॉलिड एंड इज प्रोबेबली द मोस्ट सॉलिड मटेरियल आफ्टर प्लास्टिक एंड आयरन. सो स्टील इज ए हार्ड एंड मेलेबल सॉलिड. ओके, स्टील जो है ना आपके पास प्लास्टिक और आयरन के बाद जो है ना स्टील इज अ मोस्ट सॉलिड मटेरियल. सो स्टील जो है ना आपके पास सॉलिड मटेरियल है आफ्टर प्लास्टिक एंड आयरन. सो ऑब्वियस सी बात है, स्टील की जब बात होती है तो आपके जहन में कोई सॉलिड ही दिमाग में आएगा. स्टील जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में होता. सो इफ यू ड्रॉ कंपेरिजन बिटवीन आयरन एंड स्टील वी कैन फाइंड इन मेनी वेज इवन बेटर देन आयरन. ओके, स्टील इज बेटर देन आयरन. स्टील मे नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन बट इट इज फार मोर रेजिस्टेंट एंड डस नॉट क्रोड एंड डस नॉट गेट रस्टेड लाइक आयरन डस. ओके, सो यहाँ पे आयरन और स्टील में कंपेरिजन बताया गया. सो आपको भी कन्फ्यूजन होगी कि वट्स डिफरेंट बिटवीन आयरन एंड स्टील. सो इसके लिए मैंने एक अलग एक स्लाइड बनाई है को जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि इससे नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज आयरन एंड व्हाट इज स्टील एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील. सो आपके रोजमर्रा लाइफ में आपने स्टील भी देखे हुए, आपने और आयरन भी देखे हुए. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि व्हाट इज स्टील एंड व्हाट इज आयरन. सो इसको डिस्कस करते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब स्टील जो है ना इन मेनी वेज आयरन से बेटर है क्योंकि उसके अंदर क्रोजन नहीं होती और स्टील मस्ट हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू आयरन. बट आयरन एज कम्पेयर टू स्टील जो है ना वो सॉफ्ट होता है. सो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं स्टील्स के. सो ये आई थिंक ये आयरन है और ये जो है ये चीज़ें स्टील है. ये नट दिए हुए हैं, ये एच बार दिया हुआ है और ये डिफरेंट रॉड्स हैं, ये बिल्डिंग
ये है, और ये डिफरेंट पाइप्स हैं. सो ये सारे एग्जांपल्स जो है वो स्टील के हैं. सो स्टील और आयरन में डिफरेंस क्या है उसको नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, तो स्टील क्या है बेसिकली? स्टील इज एन अलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन. सो ना सिर्फ आयरन और कार्बन बल्कि और भी क्वांटिटी में स्टील के अंदर मेटल्स होते हैं, लाइक निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा. सो एक और भी पॉइंट मैंने बोला था कि स्टील को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं. स्टील को हम कैटेगराइज इस बुनियाद पर करते हैं कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना ज़्यादा है या कितना कम है. सो फर्दर इस स्लाइड में हमें ये डिस्कस किया कि स्टील इज हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल सॉलिड एंड इज प्रोबेबली द मोस्ट सॉलिड मटेरियल आफ्टर प्लास्टिक एंड आयरन. सो उसके अलावा हमने आयरन और स्टील के बारे में कंपेयर किया थोड़ा सा कि स्टील एज कम्पेयर टू आयरन ज़्यादा हार्ड होता है एंड आयरन इज सॉफ्ट, और यहाँ पे स्टील में क्रोजन नहीं होती है एज कम्पेयर टू आयरन, और आयरन में क्रोजन ज़्यादा होती है. सो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टील एंड आयरन? सो आयरन क्या है? फर्स्ट तो यही है कि आयरन इज अ प्योर एलिमेंट, स्टील इज एन अलॉय. सो फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क तो यही है कि आयरन इज अ प्योर एलिमेंट एंड स्टील इज अ कंपाउंड. सो पहला फर्क ये है. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टील इज अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन. आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज एजिली फ्रॉम रस्ट एंड शाइन. द अलॉइंग एलिमेंट इन स्टील प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड, दस शाइन्स लेटर. सो आयरन प्योर फॉर्म में होता है, सो इसके अंदर कोई अलॉय नहीं होता. सो एलिमेंट है तो ये ऑक्सीडाइज ज़्यादा होता है. ऑक्सीडेशन जब होती है तो क्रोजन होती है. सो क्रोजन होती है, रस्टिंग होती है. सो रस्टिंग का ये मतलब है कि इसकी लाइफ जो है ना वो कम हो गई. सो रस्टिंग जब हो जाती है, क्रोजन जब होने लगती है, तो लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, डिके होना शुरू हो जाता है और एक स्टेज पे आके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल डिके हो जाता है. सो आप कंपेयर करेंगे आयरन को स्टील से. सो आयरन जो है ना, आयरन में ऑक्सीडेशन होती है, मीन्स क्रोजन होती है. बट एज कम्पेयर टू आयरन, स्टील में ऑक्सीडेशन और क्रोजन नहीं होती है, और अल्टीमेटली इसकी लाइफ जो है ना वो बढ़ गई. सो थर्ड पॉइंट इज आयरन इज एन एलिमेंट इन इटसेल्फ. अच्छा, ये दोबारा से डिस्कस किया गया पॉइंट नंबर वन. तो स्टील इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन. ओके, ये पॉइंट नंबर वन दोबारा से डिस्कस किया गया है, ये हमने पहले से डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी. सो आयरन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील एंड लेस ब्रिटल. द एडिशन ऑफ कार्बन टू स्टील मेक्स इट स्ट्रॉन्गर देन आयरन. सो आयरन जो है ना वो सॉफ्ट होता है रिलेटिवली स्टील. सो बट आप स्टील के अंदर आपने देखा था कि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. सो डेट्स वाई कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन होते हैं. सो इस वाई डेट्स वाई आपके पास स्टील जो है ना वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू आयरन. सो और ब्रिटल भी होते हैं स्टील, बट आयरन जो है ना इज लेस ब्रिटल. सो आयरन इज यूज फॉर सम एप्लीकेशंस. आयरन इज यूज फॉर सम एप्लीकेशन, हाउएवर इज नॉट यूज इन फिनिश प्रोडक्ट एंड स्ट्रक्चर्स वेयर लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड. देयरफॉर द यूजेज ऑफ आयरन एज अ प्योर मेटल हैज रीच अ लिमिट. Most of the uses iron have been replaced by steel as it possesses many desirable properties. So iron pure form होता है, इसके अंदर कोई alloy नहीं होता. So इसके जो end product का usage है, इसको finished product कम use किया जाता है. आपने नहीं देखा होगा कोई utensil, kitchen utensils हो गए या medical equipments हो गए, कोई steel की चीज़ आपने देखी होगी, आपने अपने घरों में देखा होगा स्टील के यूसेज. आप स्टील के डिफरेंट एसएस के मटेरियल्स आपने देखे हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स, स्पून्स है, पैंस है, ये आपने देखे होंगे, बट आपने आयरन के नहीं देखे होंगे. सो यहाँ पे लास्ट पॉइंट यही है कि कुछ एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिनिश प्रोडक्ट एज ए फिनिश प्रोडक्ट इसको यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज इसके अंदर रस्टिंग होती है, इसकी लाइफ जो है ना वो कम होती है, और इसके ड्यूरेबल नहीं होता, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. डेट्स वाई इसको एंड प्रोडक्ट कम यूज़ किया जाता है, एज ए फिनिश प्रोडक्ट यूज़ कम करते हैं. बट कुछ जगहों पर करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इसको, पूरे पूरे आयरन के एक फर्नेस को आप आयरन से बने होते, पूरे वो स्टील से नहीं बने होते, बस पूरे पूरे के पूरे आयरन से बने होते हैं, लेकिन ज़्यादा बहुत कम यूज़ करते हैं. सो एज कम्पेयर टू स्टील,
सो आयरन इज नॉट यूज एज फिनिश प्रोडक्ट, बट स्टील जो है ना वो फिनिश प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में. हमने देखे हुए स्टील्स, डिफरेंट कार्स देखे हुए हैं, मतलब डिफरेंट ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं वो स्टील के बने होते हैं, बसेस हैं, एरोप्लेन्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे हैं. इनफैक्ट डोर्स, आजकल डोर्स बन के आते हैं, विंडोज़ बन के आते हैं, किचन यूटेंसिल्स, पैंस देखे हैं आपने, अपने डिफरेंट गैस सिलेंडर्स देखे हैं, तो वो देट आर मेड अप ऑफ स्टील्स. सो कंक्लूडिंग दिस टाइप, आयरन और स्टील के कंपेरिजन हम डिस्कस कर रहे हैं. सो आयरन इज एन प्योर एलिमेंट और स्टील जो है ना वो एक कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन. स्टील क्रोड नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होती, कम होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टील आयरन में ऑक्सीडेशन होती है और रस्टिंग होती है. सो उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि उसकी लाइफ जो है ना आयरन की लाइफ बहुत कम होती है, स्टील की लाइफ ज़्यादा होती है. सो स्टील को एंड प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं और आयरन को एंड प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ नहीं करते, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, लेस लाइफ एंड लेस ब्रिटल. ओके जी, मेटल को ये जस्ट आपको एक पिक्टोरियल व्यू दिया गया है, एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि मेटल को किस डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है. सो आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि आप कहाँ पे खड़े हैं. सो अभी स्टील के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टील ये सारी चीज़ें इसके अंदर, जो इस अम्ब्रेला के अंदर जो चीज़ें आ रही है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. स्टील के अंदर लो एलॉय स्टील एंड हाई एलॉय स्टील और फर्दर ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में. सो शुरू से आते हैं, मेटल के दो टाइप्स हैं, फेरस और नॉन फेरस. आपको लास्ट लेक्चर में ये आपने लफ्ज़ देखे होंगे, फेरस नॉन फेरस. मेटल का जब जिक्र आया होगा तो फेरस और नॉन फेरस का जिक्र भी आया होगा. सो नॉन फेरस कौन कौन से होते हैं? कॉपर एंड इट्स एलाइज. वेट, मैं इसको मिटा देता हूँ. ओके, सो मेटल्स के दो टाइप्स हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. सो नॉन फेरस की बात करें तो कॉपर एंड इट्स अलॉय, एल्यूमिनियम, जिंक. कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक और उनके जो अलॉयस होते हैं ना, दे आर कॉल्ड नॉन फेरस. सो फेरस में क्या क्या आता है? स्टील एंड आयरन, ये सारी चीज़ें आयरन की है, लाइक पिग आयरन. आयरन में फर्दर कैटेगरी है पिग आयरन, राउट आयरन एंड कास्ट आयरन. सो कास्ट आयरन में फर्दर ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन एंड दिस टाइप ऑफ थिंग. ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम स्टील के कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे. सो स्टील में दो चीज़ें हैं, लो एलॉय स्टील एंड हाई एलॉय स्टील. सो लो एलॉय स्टील में जिस तरह की नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ें आएगी कि स्टील के कैटेगराइज, स्टील को किस बेस पे कैटेगराइज करते हैं. सो लो एलॉय स्टील को हम कहेंगे कार्बन स्टील. कार्बन स्टील में फर्दर तीन चीज़ें हैं, लो कार्बन स्टील्स, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील्स. तो उसके अंदर फर्दर चीज़ें हैं. सो कार्बन स्टील में ही तीन चीज़ें आती है, लो एलॉय स्टील में कार्बन स्टील, कार्बन स्टील में तीन और चीज़ें आती है, हाई, मीडियम एंड लो. सो इसके अलावा एलॉय स्टील्स हैं, उसके अलावा टूट स्टील्स हैं और स्टेनलेस स्टील है. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. सो ओवरऑल आपको ये एक पिक्टोरियल व्यू दिया गया है कि मेटल में फेरस एंड नॉन फेरस आता है, फिर फेरस और नॉन फेरस की फर्दर कैटेगरी कौन कौन सी है. सो आपको ये समझने के लिए बाद में आपको आसानी होगी कि एक्चुअली हम कहाँ पे खड़े हैं. हम स्टील को डिस्कस कर रहे हैं और स्टील के कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं. सो आयरन की एक अलग कैटेगरी है और नॉन फेरस और फेरस की अलग अलग कैटेगरी है. उसको हम मटेरियल साइंस की कोई सब्जेक्ट होगी तो उसमें डिटेल से आप लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद है कि स्टील को थोड़ा सा डिस्कस करना और उसकी कैटेगरी को और उसकी एप्लीकेशन को, कि कहाँ कहाँ पे स्टील यूज़ होता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे. सो क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, स्टील कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू फोर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशंस. सो लाइक मैंने पहले डिस्कस किया था कि स्टील को हम कैटेगराइज इस बेस पे करते हैं कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट्स कितना ज़्यादा है. सो कार्बन के अलावा क्रोमियम है और भी मेटल्स हैं. सो उस बेस पे इसको, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, इसको फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड डिवाइड किया गया है. सो कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील. सो इन इन चारों चीज़ों को हम फर्दर
डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे इस स्लाइड में एक और भी डिस्कस करने वाली चीज़ है, वो है AISI। सो AISI इज अ स्टैंडर्ड बेसिकली। सो अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट इज बेसिकली स्टैंडर्ड। आप जब इंजीनियरिंग का कोई टर्म यूज़ करते हैं, कोई भी आप आर्ग्यूमेंट करते हैं इंजीनियरिंग के बेस पे, सो आपको स्टैंडर्ड याद होना ज़रूरी है। सो AISI के बेस पे अब स्टील को हम कैटेगराइज करते हैं, स्टील के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, सो जिसको हम AISI से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मार्केट में जाएंगे तो आप या फिर कोई रिसर्च करेंगे, सो आप रेफर करेंगे कि इस ग्रेड को पे आप रिसर्च कर रहे हो बेसिकली। सो AISI 1020 इज ए ग्रेड ऑफ माइल स्टील। सो माइल स्टील में ये ग्रेड जो है ना वो आप रेफर करेंगे। सो AISI इज बेसिकली ए स्टैंडर्ड। सो ये याद रखने वाली चीज है यहाँ पे। कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील, ये आपने देख लिया। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन स्टील को। सो कार्बन स्टील है क्या चीज़ बेसिकली? सो कार्बन स्टील कंटेन ट्रेस्ड अमाउंट ऑफ एलॉयिंग एलिमेंट एंड अकाउंट फॉर 90% ऑफ टोटल स्टील प्रोडक्शन। सो कार्बन स्टील यानी कि कार्बन स्टील वो है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। सो कार्बन कंटेंट के बेस पे इसको एक अलग कैटेगरी दी गई है। सो ये जो कैटेगरी है स्टील, कार्बन स्टील की कैटेगरी, अदर देन एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील। सो ये तीन कैटेगरी के अलावा जो कार्बन स्टील है उसको आप 90% देखेंगे अपनी रोज़मर्रा लाइफ में। सो इसके जो स्टील की प्रोडक्शन है वो 90% है। सो बाकी जो रेस्ट ऑफ दी कैटेगरी है एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील, उसकी जो प्रोडक्शन है वो 10% है। ओनली द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन स्टील इज 90%। इसको आप रोजमर्रा लाइफ में भी आप देखते हैं, लाइक अपने लैपटॉप के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो स्टील से बने होते हैं, कार्बन स्टील से बने हुए हैं वो। और इसके अलावा आप डोर्स देखते हैं, डोर्स अगर वुड का भी है तो उसके अंदर स्टील्स यूज हुए होंगे, लाइक हैंडल्स जो है ना वो स्टील के होते हैं, वो लो कार्बन स्टील या फिर मीडियम कार्बन स्टील का होगा। उसके अंदर फास्टनिंग मटेरियल होते हैं, नट्स एंड बोल्ट होते हैं, स्क्रू होते हैं, सो वो चीज़ें आपने देखी होंगी। डिफरेंट ताले देखे होंगे आपने, अपने विंडोज़ देखे होंगे, विंडोज़ आजकल बने आते हैं स्टील के, स्टील के नहीं बने आते हैं, तो हैंडल्स और लॉक जो है ना वो आपके पास स्टील के बने आते हैं। उसके अलावा ऑटोमोटिव पार्ट्स डिफरेंट हैं, कार के डिफरेंट ऑटोमोटिव पार्ट्स स्टील के बने हुए हैं, जो सीढ़ी के जो ग्रिल्स हैं वो भी आपके पास स्टील से बने हुए हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। सो क्यूमुलेटिवली आपके पास 90% बनते हैं टोटल स्टील प्रोडक्शन के। स्टील प्रोडक्शन में जो 90% प्रोडक्शन है वो ओनली द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन स्टील्स है। सो इसको फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लो कार्बन स्टील, माइल्ड मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं। सो लो कार्बन स्टील में 0.3% तक, मैक्सिमम 0.3 होता है, इसके अलावा 0.1, 0.2, 0.3 तक इसके अंदर कार्बन के स्टील्स मौजूद होते हैं। सो मीडियम कार्बन स्टील में की रेंज क्या है, 0.3 से लेकर 0.7 तक, और हाई कार्बन स्टील का क्या मतलब है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.7 से अबव हो। सो स्टील को हम फोर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, स्टील को हम फोर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील। फर्दर कार्बन को हम तीन फोर कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। और लो कार्बन स्टील में कितने परसेंटेज में कार्बन है, मीडियम कार्बन स्टील में कितने परसेंटेज में आप कार्बन कंटेंट मौजूद होते हैं, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, और हाई स्टील में कितने परसेंटेज में कार्बन कंटेंट होती है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सो इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, व्हाट इज लो कार्बन स्टील। सो लो कार्बन स्टील के बारे में डिस्कस करते हैं। लो कार्बन स्टील में सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो स्टील जिसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है ना वो 0.05 से लेकर 0.15 तक होता है। आपने देखा था कि 0.3% में कार्बन कंटेंट होता है इसमें। सो सबसे जो उसमें भी अगर हम कैटेगराइज करेंगे लो कार्बन स्टील को, फर्दर कैटेगरी बनाएंगे, तो इसके अंदर जो सबसे लीस्ट अमाउंट में जो कार्बन होते हैं
उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसको स्टील वायर, शीट्स, रिवेट्स, स्क्रूज, पाइप नेल्स एंड चेन्स. सो ये इन चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं. सो रिवेट्स का ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल रिवेट्स का दिया हुआ है. सो रिवेट्स इज अ प्रोसेस ऑफ फास्टनिंग, जिस तरह आप नट बोल्ट करते हैं, जिस तरह आप वेल्डिंग करते हैं, जिस तरह आप ग्लू से आप एक मटेरियल को, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ आप जोड़ देते हैं, उसी तरह एक और भी प्रोसेस है विच इज़ कॉल्ड रिवेट्स. सो आपने देखा होगा ये इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट शीट्स को फास्टन किया होता है. स्टील के जो बाल्टी को आपने देखा होगा, तो वो रिवेट किया होता है बेसिकली. सो ये एक एग्जांपल है डेड माइल्ड स्टील के, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.05 से लेकर 0.15% तक होता है. डिफरेंट स्क्रूज आपने देखे होंगे, वो भी इस चीज़ से बने होते हैं. स्टील वायर जो है ना, वो आप देखे होंगे, स्क्रूज जो है ना, वो आपने देखे होंगे कि वुड को स्क्रू करते हैं, वुड के अंदर कोई लाइक लॉक लगाना है, वुड के अंदर लॉक लगाना है, दरवाजे के अंदर लॉक लगाना है, तो उसको हम स्क्रू करते हैं. सो उसकी जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो 390 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड हार्डनेस अबाउट 115 BHN. BHN, अच्छा, हार्डनेस का ये एक यूनिट है, लाइक जिस तरह यहाँ पे N है, N न्यूटन, N का मतलब न्यूटन है पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे BHN का मतलब ब्रिनल हार्डनेस नंबर. सो ब्रिनल, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रिनल हार्डनेस. सो BHN का मतलब ये आगे भी जिक्र आएगा. सो ये याद रखना है आपने कि व्हाट इज मीन बाय ब्रिनल हार्डनेस. सो ये एक यूनिट है, BHN इज अ यूनिट ऑफ हार्डनेस. हार्डनेस यानी कि हार्डनेस को कैसे आप मेजर करते हैं, BHN से मेजर करते हैं. जिस तरह आप यहाँ पे न्यूटन देख सकते हैं, जिस तरह आप मिलीमीटर सेंटीमीटर है, उसी तरह BHN इज अ यूनिट ऑफ हार्डनेस. ये नेक्स्ट स्लाइड में भी ये जिक्र आएगा, तो आपने ये याद रखना है कि BHN का मतलब क्या है. BHN इज अ ब्रिनल हार्डनेस. सो माइल्ड स्टील कंटेनिंग 0.15 to 0.2% कार्बन हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ, इसको मैं रब करता हूं, सो 0.15 से लेकर 0.2 तक परसेंटेज में अगर कार्बन है, तो उसको कहां पे यूज करेंगे, उसको कैमशाफ्ट स्टील एंड ट्रिप्स ऑफ फैन ब्लेड्स, वेल्डिंग ट्यूब्स, फॉर्जिंग एंड रैक लाइंस, इन चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे. अगर माइल्ड स्टील कंटेनिंग 0.15 और 0.2 के दरमियान जो है ना आपके पास परसेंटेज में कार्बन हो, तो उसको हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये कैमशाफ्ट है ये. सो ये कैमशाफ्ट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. कैमशाफ्ट इज अ पार्ट, अगर आपको पता नहीं है, तो ये इंजन का पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है. सो माइल्ड स्टील कंटेनिंग 0.2 से लेकर 0.3 तक अगर इसके अंदर कार्बन हो, तो इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 555 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और हार्डनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई. आप देख सकते हैं कि 0.5 अगर है, तो इसकी हार्डनेस है 115 है, और फिर उसके बाद 125 हो गई, थोड़े से और कार्बन कंटेंट बढ़ गए, थोड़े से और कार्बन कंटेंट बढ़ गए, तो यहाँ पे इसकी हार्डनेस 140 हो गई. सो पहले 115 था और अभी 140 हो गई. सो लेकिन पहले 0.15% में कार्बन था, फिर बाद में 0.3% में कार्बन आ गया. सो कार्बन कंटेंट बढ़ते हैं तो आपकी हार्डनेस बढ़ जाती है. सो अगर इन परसेंटेज में अगर आपके पास कार्बन कंटेंट अगर आपके पास हो, तो इन चीज़ों को वॉल्व के लिए, गियर्स के लिए, क्रैंकशाफ्ट के लिए, कनेक्टिंग रॉड्स के लिए, सो इन चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं स्टील को. सो कार्बन कंटेंट जैसे जैसे बढ़ जाते हैं, सो ये चीज़ें यहाँ पे इस स्लाइड में याद रखने वाली चीज़ें यही है कि आप इनको कहाँ कहाँ, इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं.
0.15 की परसेंटेज अगर हो तो इसको कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको स्क्रू बनाने के लिए, रिवेट्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे लो कैटेगरी की आपके पास स्टील आपके पास आई है। मीडियम कार्बन कन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील में हमें देखा था ऑलरेडी कि वो स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट जो है ना 0.3% से लेकर 0.7 तक हो, सो उसको हम मीडियम कार्बन स्टील में कंसिडर करते हैं। सो स्टील कंटेनिंग, इसको फर्दर अगर हम कैटेगराइज करेंगे कि 0.35 से लेकर 0.45 तक अगर आपके पास कार्बन कंटेंट हो तो उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होगी। और उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, कनेक्टिंग रॉड्स, वायर एंड रॉड्स, स्प्रिंग क्लिप्स, गेयर शाफ्ट, की स्ट्रोक, शिफ्ट एंड ब्रेक लेवर्स, एक्सेल एंड फोर्जिंग। सो लाइक कनेक्टिंग रॉड्स, ये कनेक्टिंग रॉड्स का एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये अगर आपको नहीं पता है तो कनेक्टिंग रॉड इज ए पार्ट ऑफ इंजन, जो गाड़ी का इंजन है या कोई ट्रक का इंजन है उसका उसके अंदर कनेक्टिंग रॉड होता है जिसके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, जिसको ड्यूरेबल होना ज़रूरी है और लॉन्ग लास्टिंग होना ज़रूरी है। सो उसके लिए ये इस कैटेगरी का हम कार्बन स्टील हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज कनेक्टिंग रॉड। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, वो आप देख सकते हैं, वायर एंड रॉड्स, स्प्रिंग क्लिप्स, गेयर क्राफ्ट, की स्ट्रोक, शिफ्ट एंड ब्रेक लेवर, एक्सेल, फोर्जिंग। और फोर्जिंग के डिफरेंट डिफरेंट फोर्जिंग मटेरियल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टील डेट कंटेन 0.5, अगर इसके अंदर 0.5 से लेकर 0.55% तक हो, सो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक इसकी रेंज होती है। एंड फॉर यूज फॉर मेकिंग पार्ट, दोस आर टू बी सब्जेक्टेड टू शॉक एंड हैवी रिवर्सल ऑफ द स्ट्रेस। अच्छा, यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी के इंजन में पे बहुत लोड होता है, गाड़ी के जो वो पोर्शन जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस कैटेगरी के स्टील को यूज़ कर सकते हैं जिसमें 0.55% तक स्टील कार्बन कंटेंट हो। रेलवे कोच एक्सेल्स, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंक पिन एंड ऑन हैवी मशीन्स, स्प्लिटिंग स्प्लाइन शाफ्ट। सो इन कैटेगरीज में जहाँ पे स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, लोड के ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होता है, मैकेनिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम इस कैटेगरी के स्टील को हम यूज़ करते हैं। स्टील अगर 0.6 से लेकर 0.7 तक हो, उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 1230, और उसकी जो हार्डनेस है वो 400 to 500 BHN। सच स्टील्स आर यूज फॉर मेकिंग स्टील मेकिंग ड्रॉप फोर्जिंग डाइज, सेट स्क्रूज, डाई ब्लॉक्स, क्लच डिस्क, वाल्व स्प्रिंग, कुशन रिंग्स एंड थ्रस्ट वॉशर। सो लाइक ये क्लच डिस्क है, क्लच डिस्क को हमने यहाँ पे दिया हुआ, ये क्लच डिस्क है। सो क्लच आपने देखा होगा, बाइक आप चलाते होंगे तो बाइक के जो क्लच है ना, उसके बाइक जब क्लच को आप प्रेस करते हैं तो पीछे एक डिस्क होती है जिसके अंदर पूरा मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म होने के बाद फिर जाके आप गियर चेंज कर सकते हैं। सो क्लच डिस्क कैसे बनता है, किससे बनता है, सो क्लच डिस्क इज मेड ऑफ स्टील, स्टील के अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो 0.6 से लेकर 0.7 तक होगा, तो ये एग्जांपल दिया हुआ। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से लेकर 0.7 तक इस कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन की परसेंटेज जो ना 0.7 तक होते हैं, 0.3 से लेकर 0.7 तक। सो उसको कनेक्टिंग रॉड्स, डिफरेंट वायर और डिफरेंट जो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, साइक्लिक लोड जहाँ ज़्यादा होते हैं, मैकेनिकल मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, उन चीज़ों के लिए हम मीडियम कार्बन स्टील यूज़ करते हैं। सो लास्ट कैटेगरी ऑफ द कार्बन स्टील विच इज़ हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील को हमने कहा था कि वो स्टील जिसमें पॉइंट जिसमें कार्बन के परसेंटेज जो है ना 0.7% से अबव अगर हो तो इसको हम हाई कार्बन स्टील कहेंगे। सो
high carbon steel contain carbon from 0.7 to 1.5. So मैं इसको मिटा देता हूँ. सो अगर 0.7 से लेकर 0.8 तक कार्बन हो तो इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो आपके पास 1400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी एंड हार्डनेस जो होगी वो 450 से लेकर 500 BHN ब्रिनर हार्डनेस. सो ये BHN क्या है बेसिकली, तो ये हमने पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर लिया था. BHN इज बेसिकली ब्रिनर हार्डनेस नंबर. BHN इज बेसिकली वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ हार्डनेस विच इज BHN ब्रिनल हार्डनेस नंबर. सो आप देख सकते हैं कि जब स्टील की कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी कार्बन स्टील की जब फर्स्ट कैटेगरी थी लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का कंटेंट जो है ना 0.01 से लेकर 0.2% तक था. सो उसकी हार्डनेस क्या थी 110 BHN. और जब यहाँ पे हाई कार्बन स्टील में जब हम आते हैं तो 0.7% इसकी कार्बन कंटेंट हो गए और इसकी जो BHN है ब्रिनल हार्डनेस नंबर है वो होगी 450 to 500. तो आप देख सकते हैं कि कार्बन कंटेंट थोड़े से इंक्रीज करने के बाद कितना आपके पास स्ट्रेंथ आ गई, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 5 times आपके पास स्ट्रेंथ जाना या फिर हार्डनेस आपके पास बढ़ गई है. दी स्टील्स आर यूज फॉर मेकिंग कोल्ड चीजें, न्यूमेटिक ड्रिल बिट्स, व्हील फॉर रेलवे सर्विस, रेंचेस, जॉस एंड वाइजेस, जॉस फॉर वाइजेस, वायर फॉर स्ट्रक्चरल वर्क, स्टील ब्लेड्स, हैक सॉस, ऑटोमेटिक क्लच डिस्क एक्सेट्रा. सो जॉस फॉर वाइजेस, वाइज क्या होता है, एक वाइज ये दिया हुआ है. आपने ये देखा होगा मैकेनिकल, अपने कोई वर्कशॉप में अगर जाएंगे तो मैकेनिकल वर्कशॉप में अगर जाएंगे तो ये आपने देखा होगा वाइज कहते हैं इसको. सो वाइज में क्या करते हैं, इसको क्लैम्प करके कोई मशीनिंग करनी हो लाइक कोई होल करने हो, ड्रिल बिट को पकड़ के जब होल करने हैं तो इसके अंदर क्लैम करके ये क्लैम करेंगे इसके अंदर इस तरह मेटल को और उसको फिर कोई मशीनिंग करते हैं या फिर कोई मेटल रिमूविंग प्रोसेस करते हैं. सो ये जो एक्सर वाइस जो है ना वो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं. उसके अलावा रेंचेस आपने देखे होंगे, ये सारे रेंचेस हैं इसको लाइक नट एंड बोल्ट को खोलने के लिए जब यूज़ करते हैं तो ये इससे बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए. सो ये हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं. सो स्टील कंटेनिंग 0.8 to 0.9%, अगर 0.8 to 0.9% हो तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी. अच्छा 600 नहीं होगा, आई थिंक ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको ये वाला लिखा हुआ है, इसको अभी इग्नोर करें. एंड क्योंकि यहाँ पे 1400 है तो यहाँ पे 60 नहीं हो सकता. सो ज़्यादा ही होगी लाइक 1500 या फिर 1600 तक होगी. ये मैंने गलत टाइपिंग एरर होगा. सो इसको मैं लेटर बाद में इसको करेक्ट करके मैं आपको पावर पॉइंट की स्लाइड भेज दूंगा. सो हार्डनेस जो होगी वो 500 to 600 तक होगी. हार्डनेस देख सकते हैं कि कार्बन कंटेंट बढ़ गए तो हार्डनेस और बढ़ गई. सो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, रॉक ड्रिल्स. जो कि रॉक ड्रिल्स क्या होता है कि रॉक के अंदर जो ड्रिल्स करते हैं तो उसकी मशीन के लिए जो ड्रिल बिट्स यूज होते हैं सो वो जो है ना वो आपके पास हाई कार्बन स्टील से बने होंगे. पंच एंड डाइस जो इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं पंच एंड डाइस वो हाई कार्बन स्टील से बने हुए हैं. रेलवे रेल्स, क्लच डिस्क आपने देखा होगा कि आपने यहाँ भी यूज करते हैं और मीडियम कार्बन स्टील में भी आपने देखा होगा कि क्लच डिस्क बने हुए हैं. सो इट डिपेंड करता है कि आपको क्लच डिस्क की क्वालिटी किस तरह की है. क्लच डिस्क जो है ना वो मीडियम कार्बन स्टील से बने हुए भी होते हैं और हाई कार्बन स्टील से भी बने हुए होते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है. सो सर्कुलर सास, लीफ स्प्रिंग, मशीन चीजल, म्यूजिक वायर ATC. सो ये सारी चीज़ें बने होते हैं. मशीन चीजल ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मशीन चीजल है. और लीफ स्प्रिंग दिस इज लीफ स्प्रिंग. सो ये भी आपने देखा होगा कि गाड़ी के जो टायर के साथ ये पूरा मैकेनिज्म देखा होगा विच इज कॉल्ड लीफ स्प्रिंग, जो कि हाई कार्बन स्टील से बने हुए हैं जिसके अंदर कार्बन कंटेंट 0.8 से लेकर 0.9 तक होगा. सो चीजल क्या होता है कि चीजल आपने ये डिफरेंट लाइक तरखान को आपने ये चीज़ यूज़ करते हुए देखा होगा कि वुड को चॉप ऑफ करने के लिए मशीन चीजल यूज़ करते हैं.
which is made up of high carbon steel. Steel containing up to 1.3 carbon are used for making files, rimers, metal cutting tools. So different tools जो होते हैं, cutting tools, like for example metal के अंदर मुझे hole करना है, metal के अंदर मुझे drill करना है. So अब metal के अंदर drill करना है तो जो उसके जो tool होगा वो बहुत ज़्यादा hard होना ज़रूरी है. So उसके लिए बहुत high carbon steel, बहुत ज़्यादा उसके अंदर carbon steel मौजूद हो, तो उस तरह की steel को हम use करेंगे उस tool को बनाने के लिए. So यहाँ पे last point यही लिखा हुआ है कि steel that containing up to 1.3% carbon are used for making files, rimers, metal cutting tool, etc. So concluding this slide, high carbon steel को हमने देख लिया, discuss किया, जिसके अंदर carbon content जो है ना वो 1.7 से लेकर 0.7 से above होता है, basically 0.7 से लेकर 1.5 तक हम कह दें. So उसको हम different applications के लिए use करते हैं, चीज़ें बनाने के लिए या आपके पास रेंचेस बनाने के लिए, वायर एंड स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, और डिफरेंट एप्लीकेशंस और भी दिए हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं. सो उसकी जो हार्डनेस होगी वो 450 हमने देख लिया और 600 तक, 450 से लेकर 600 तक इसकी रेंज है. सो इसकी जो हार्डनेस इस रेंज में होगी. सो ये बहुत ज़्यादा हार्ड है. सो कार्बन स्टील में जो सबसे जो हाइस्ट कैटेगरी है वो हाई कार्बन स्टील की कैटेगरी है, जिसको हम बहुत ज़्यादा जगहों पे टूल्स बनाने के लिए और फर्दर वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा है टूल से. लाइक फॉर एग्जांपल रॉक के अंदर ड्रिल करना है तो जाहिर बात है इसके लिए बहुत ज़्यादा, उसके लिए जो ड्रिल बिट्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना ज़रूरी है. सो डेट्स वाई वी शुड यूज़ हाई कार्बन स्टील फॉर मेकिंग ऑफ दैट टूल. ओके, ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं of the as an example of carbon steel. Carbon steel को कहाँ कहाँ पे हम use करते हैं basically. So इसमें एक चीज़ और note करने वाली ये चीज़ है कि इसकी finishing इतनी अच्छी नहीं होती. अगर हम steel की बात करें stainless steel, alloy steel, tool steel and carbon steel, तो सबसे जो low finishing होती है, finishing जो यानी कि जो quality में बेहतर आपको नहीं लगती दिखने से, वो आपके पास carbon steel होती है. उसके कंपैरिजन में आप स्टेनलेस स्टील को देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि और सरफेस भी इतनी शाइनी होती है, आपको देखने से पता चलता है कि व्हाट इज स्टेनलेस स्टील एंड व्हाट इज कार्बन स्टील. सो कार्बन स्टील की फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं होती है. सो आप ये देख सकते हैं कि ये पाइप है, ये और ये शाफ्ट है, ये रॉड्स है डिफरेंट, और ये चादरें, इस तरह की एप्लीकेशन भी आपने देखे होंगे. ये अपने एल बार भी आपने देखे होंगे, ये आई बार भी आपने देखे होंगे. सो इनकी ये इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होती नहीं है. उसके अलावा एप्लीकेशंस ये है कि आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने के लिए आप टेम्परेचर स्ट्रक्चर्स को आप बनाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं. उसके अलावा जो एप्लीकेशंस है वो हमने डिटेल में जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देख लिया था, ये जस्ट आपको पिक्चर दिया हुआ है कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके जी, अलॉय स्टील को हम डिस्कस करेंगे. द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टील इज अलॉय स्टील. हमने कार्बन को देख लिया, कार्बन के डिफरेंट कैटेगरीज में हमने देख लिए. कार्बन के डिफरेंट कैटेगरीज थे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील को हमने डिटेल से देख लिया और उनके एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस कर लिए. सो अभी डिस्कस करेंगे अलॉय स्टील एंड देयर एप्लीकेशन. अलॉय स्टील कंटेन्स अलॉय स्टील contain alloying element, for example manganese, silicon, nickel, titanium, copper, chromium and aluminium in varying proportion in order to manipulate steel properties such as its hardenability, corrosion resistance, strength, formability, weldability and ductility. So alloying elements kya kya hai? So alloy steel mein kaun kaun se elements hote hain? Manganese, silicon, nickel, titanium, कॉपर, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम. सो ये सारी चीज़ें आपके पास अलॉयिंग एलिमेंट्स होते हैं. सो इनके होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर फॉर एग्जांपल मैंगनीज 10% है, सिलिकॉन 20% है एंड निकल 5% है, तो उसके प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ेगा. हार्डनेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्रोजन रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा.
इसी तरह मैंगनीज की प्रॉपर्टी कम होगी सिलिकॉन की ज़्यादा होगी, या निकल की ज़्यादा होगी सिलिकॉन की कम होगी, तो उस तो आप कह सकते हैं कि जो स्टील के जो प्रॉपर्टीज है ना वो मैनिपुलेट होगी, वो आप चेंज कर सकते हैं, वो चेंज होती है बेसिकली. सो एप्लीकेशन फॉर एलॉयिंग एलॉय स्टील इंक्लूड पाइपलाइन, ऑटो पार्ट्स, ट्रांसफार्मर, पावर जनरेशन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स. सो इलेक्ट्रिक मोटर्स आप यूज़ करते हैं, पावर जनरेटर्स यूज़ करते हैं, मोटर और जनरेटर में जो स्टील यूज़ करते हैं डेट इज मेड अप ऑफ एलॉय स्टील. ऑटोमोटिव पार्ट है आपके पास, पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस इज मेड अप ऑफ एलॉय स्टील. ज़रूरी नहीं है पाइपलाइंस जो है ना, पाइप जो है ना वो एलॉय स्टील से बने हुए, कार्बन स्टील से भी बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील से बना सकते हैं. सो लेकिन यहाँ पे एलॉय स्टील में ज़्यादातर पाइपलाइंस जो है ना वो एलॉय स्टील के होते हैं. सो गिवन बिलो इज द कंपोजिशन ऑफ टिपिकल एलॉय स्टील, कार्बन के परसेंटेज. अच्छा ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसी पोर्शन में हो. सो लेकिन टिपिकल एलॉय स्टील में इस इन परसेंटेज में आपके पास कंटेंट्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कार्बन का 0.2 से लेकर 0.4 तक परसेंटेज हो सकती है, मैंगनीज का 0.5 से लेकर 1% तक, सिलिकॉन का 0.3 से लेकर 6% तक, निकल का 0.4 से लेकर 0.7% तक, क्रोमियम इज बिटवीन 0.4 से लेकर 0.6 तक, और मोलिब्डेनम इस इनका जो प्रोपोर्शन है वो 0.15 से लेकर 0.3% तक. सो इन परसेंटेज में आपके पास बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में आपके पास मेटल के इंग्रेडिएंट्स होते हैं. सो इनके जो टिपिकल एलॉयिंग एलिमेंट के अंदर जो कंपोजिशन है उसके जो परसेंटेज है वो ये है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि इस प्रोपोर्शन में हो. लेकिन उन्होंने एक जनरलाइज करके एक दिया हुआ है कि कार्बन के कंटेंट इतना ज़्यादा होता होगा इनमें, मैंगनीज का कंटेंट इतना ज़्यादा होगा और सिलिकॉन का कंटेंट इतना ज़्यादा होगा. तो इस तरह के और भी एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स और उनके प्रोपोर्शन बताए गए हैं कि इतने प्रोपोर्शन में ये हो सकता है. सो इन प्रोपोर्शन को प्लस करने के बाद लेट्स सपोज 10% आते हैं पूरा सब कुछ मिला के, सो रेस्ट ऑफ द 90% विल बी आयरन. जो बैलेंस है, बैलेंस बचता है इनको प्लस करने के बाद जो बैलेंस बचता है डेट विल बी आयरन. सो बाकी जो प्रोपोर्शन है वो आयरन का होगा. अलॉयिंग एलिमेंट अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील एंड पुट इन इनटू अ स्लाइट डिफरेंट क्लॉज फ्रॉम अ कार्बन स्टील. सो आप देख सकते हैं कि कार्बन स्टील में भी कि कार्बन के प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं कि 0.2 से लेकर 0.4 तक ही है. यहाँ पे भी आपने देखा था कि 0.7 तक था, तो 0.2 से लेकर 0.4 तक का जो प्रोपोर्शन है वो आपके पास ऑलरेडी आपके पास कार्बन स्टील हो गई. लेकिन जो मैंगनीज की जो प्रॉपर्टी है, मैंगनीज का जो प्रोपोर्शन है सिलिकॉन का प्रोपोर्शन, उसको कम ज़्यादा करेंगे, प्रोपोर्शन आप बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे तो उसको हम एलॉय स्टील कहेंगे, ठीक है ना. सो इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना आप कार्बन स्टील के साथ. सो आप ये कह सकते हैं कि कार्बन स्टील जो है ना, एलॉय स्टील जो है वो कार्बन स्टील के टाइप्स हैं, बट बहुत ज़्यादा इसकी यूसेज है, इसको हम इसलिए हम इसको अलग कैटेगरी बनाई हुई है. इनफैक्ट कार्बन स्टील की ही कैटेगरी है, लेकिन इसको हमने एलॉय की प्रोपोर्शन को कम ज़्यादा करते हैं तो इसको एक अलग हम कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं और इसको अलग से डिस्कस करते हैं. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड सो एलॉय स्टील क्या होता है? एलॉय स्टील वो होते हैं जिसमें मैंगनीज, सिलिकॉन, निकल, टाइटेनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के प्रोपोर्शन कुछ अमाउंट में होते हैं अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड कार्बन. सो उसके जो कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, अच्छा इसको करते क्यों है, एलॉयिंग एलिमेंट ऐड करने से कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है. सो इसकी स्टील की प्रॉपर्टीज़ पे फ़र्क पड़ता है, हार्डनेबिलिटी पे, क्रोजन रेजिस्टेंस पे, स्ट्रेंथ पे, फॉर्मेबिलिटी पे, वेल्डेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है. सो इसके अलावा इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, पाइपलाइंस में यूज़ करते हैं इसको, ऑटोमोटिव पार्ट में भी यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर में, पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इनको हर जगह यूज़ करते हैं हम. सो इसके अंदर जो टिपिकल जो क्वांटिटी है कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए मेटल के, वो ये हैं: कार्बन के 0.2 से लेकर 0.4 तक, मैंगनीज के 0.5 से लेकर 1% तक, सिलिकॉन 0.3 से लेकर 0.6% तक, निकल 0.4 से लेकर 0.7 तक, और इस तरह क्रोमियम और मोलिब्डेनम के भी एग्जांपल दिया हुआ है. सो इन
इनको कंजर्वेटिव करके जो आपके पास बैलेंस में बच जाता है डेट विल बी द कंपोजिशन ऑफ आयरन इन द एलॉय स्टील. सो एलॉय स्टील में जो है ना, एलॉय स्टील में और कार्बन स्टील में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0.2% और 0.4% ऑलरेडी आपने कार्बन स्टील में देखा था कि ये जो परसेंटेज अगर आपके पास होगी कार्बन की, सो उसको हम कार्बन स्टील कहेंगे, इसको मीडियम कार्बन स्टील कहेंगे. लेकिन इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स की प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इस वजह से हमने इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है और इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं. सो डेट इज एलॉय स्टील. सो पर्पस ऑफ एलॉइंग, सो एलॉइंग का मकसद क्या है? सो एलॉइंग का मकसद है स्ट्रेंथनिंग, इम्प्रूव क्रोजन रेजिस्टेंस, बेटर हार्डनेबिलिटी, ग्रेन साइज कंट्रोल, ग्रेटर स्ट्रेंथ, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, इम्प्रूव हाई और लो सरफेस लो टेम्परेचर स्टेबिलिटी, इम्प्रूव डक्टिलिटी, इम्प्रूव टफनेस, बेटर वेयर रेजिस्टेंस. सो इनफैक्ट सब कुछ ही हो रहा है एलॉइंग एलिमेंट ऐड करने से. लाइक पहले क्रोजन होती थी तो क्रोजन क्रोजन रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा होगा यानी कि क्रोजन कम होगी, स्ट्रेंथेंड होगा यानी कि स्ट्रेंथ मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. सो इसकी जो हार्डनेस बढ़ेगी, ग्रेन साइज कंट्रोल होगा. लाइक हमने पिछले लेक्चर में हीट ट्रीटमेंट के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि ग्रेन साइज को कंट्रोल करने से क्या होता है. सो ग्रेन साइज को कंट्रोल करने से आपके लाइक पहले अगर स्टील जो है ना वो बहुत ही प्योर फॉर्म होगा तो इसके ग्रेन स्ट्रक्चर अलाइन नहीं होगा. ग्रेन स्ट्रक्चर अलाइन होने से ये होता है कि मशीनेबिलिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ता है और सब कुछ यूनिफॉर्म आपके पास स्ट्रक्चर मिल जाता है. सो अलाइन करने से क्या होगा, ग्रेन साइज को कंट्रोल आप कर सकते हैं. स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मशीनेबिलिटी बढ़ेगी, आपके पास डक्टिलिटी, टफनेस और इनफैक्ट हर चीज़ बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ दी स्टील जो है ना वो इम्प्रूव होगी अलाइन करने से. ओके जी, कार्बन और लाइक निकल है. सो इनको जब आप ऐड करते हैं, जब एडिशन स्टील में एडिशन ऑफ कार्बन होता है, एडिशन ऑफ निकल, एडिशन ऑफ क्रोमियम और बाकी जो मेटल्स होते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड कार्बन टू द स्टील एंड व्हाट हैपेंस वी ऐड निकल टू द स्टील. निकल के परसेंटेज में स्टील में निकल के परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा तो इफेक्ट क्या पड़ता है. सो कार्बन को ऐड करने से हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मशीनेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी. सो ऑब्वियसली हार्डनेस और स्ट्रेंथ अगर आपके पास बढ़ रही तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो ये जो हार्डनेस बढ़ेगी तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके पास बढ़ेगी. सो हमने कार्बन के कंटेंट में, हमने कार्बन स्टील के पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि कार्बन कंटेंट जब ऐड करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो यही चीज़ें दोबारा डिस्कस कर रहे हैं. तो कार्बन ऐड करने से क्या होता है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, मशीनेबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होगी. निकल के ऐड करने से क्या होगा, निकल के ऐड करने से इंक्रीज टफनेस एंड रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट, लेसन डिस्टॉर्शन इन क्विंचिंग, लोअर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील एंड वाइडन द रेंज ऑफ सक्सेसफुल हीट ट्रीट इंडेंट, स्ट्रेंथन द स्टील, renders high chromium iron alloy austenitic. okay, ये जो है ना वो ये एक stainless steel का एक type है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. so अभी इसमें confuse होने की ज़रूरत नहीं है कि what is austenitic. so इसको ये एक stainless steel का एक type है, उसको हम detail से पढ़ेंगे. so nickel add करने से क्या होता है कि nickel add करने से आपके पास toughness और resistance बढ़ेगी, डिस्टॉर्शन कम होगा. जब क्विंच करते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं. क्विंचिंग में क्या हो रहा था कि आपके पास सडन इफेक्ट ऑफ कूलिंग हो रही थी, यानी कि आप चिल्ड वाटर में, आप बहुत ही रेड हॉट स्टील को आप चिल्ड वाटर में डाल रहे थे
सो उससे आपके पास प्रॉपर्टीज में चेंज हो रही थी। सो प्रॉपर्टीज में चेंज तो हो रही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। सो क्विंचिंग में डिस्टॉर्शन भी एक प्रॉब्लम है जो कि होती है। तो अगर निकेलेट करेंगे स्टील में तो क्विंचिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्विंचिंग में डिस्टॉर्शन नहीं होगी। लोअर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील एंड वाइडन द रेंज ऑफ सक्सेसफुल हीट ट्रीट इंडन। सो इससे क्या होगा कि आप क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो कम होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर जब कम होगी तो आपके पास हीट ट्रीट इसको आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रेंथन हीट स्ट्रेंथन स्टील रेंडर हाई क्रोमियम आयरन एलॉय। ओके जी, क्रोमियम ऐड करने से क्या होगा, ज्वाइन विद कार्बन टू फॉर्म क्रोमियम कार्बाइड। अच्छा, क्रोमियम ऐड करने से क्या होगा, ऑलरेडी कार्बन है आपके पास स्टील के अंदर, सो उसके अंदर क्रोमियम ऐड करने से क्रोमियम कार्बाइड फॉर्म होता है। क्रोमियम कार्बाइड फॉर्म होने से आपके पास क्या होता है कि हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है। सो आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड वेयर। सो वेयर एंड टेयर, जब वेयर एंड टेयर का मतलब होता है कि घिस जाना, सो वेयर एंड टेयर नहीं होगी अगर आप क्रोमियम ऐड करेंगे। क्रोमियम ऐड करने से क्या होता है कि आपके पास क्रोमियम कार्बाइड बनते हैं, जिसकी वजह से आपके पास हार्डनेबिलिटी बढ़ जाती है एंड वेयर एंड टेयर जो है ना वो कम होगी। सिलिकॉन ऐड करने से क्या होगा, इम्प्रूव ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथन लो अलॉय स्टील, एक्ट एज डिऑक्सीडाइजेस। सो ऑक्सीडेशन नहीं होगी सिलिकॉन करने से। सो लाइक ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस क्रोजन नहीं होगी। सो ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है कि क्रोजन होगी और वियर एंड टियर होगी। सो सिलिकॉन ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। सो टाइटेनियम ऐड करने से क्या होगा, प्रिवेंट लोकलाइज डिप्लीशन ऑफ क्रोमियम इन स्टील ड्यूरिंग लॉन्ग हीटिंग, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इन हाई क्रोमियम स्टील। ऑस्टेनाइट को अभी फिलहाल रहने दे, व्हाट इज ऑस्टेनाइट, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम पढ़ेंगे आगे। स्टेनलेस स्टील का एक टाइप है, तो स्टेनलेस स्टील जब हम पढ़ेंगे तो ऑस्टेनाइट भी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में बेसिकली क्रोमियम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 10 to 20% क्रोमियम होती है। सो क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील के फॉर्मेशन के बाद, तो जब क्रोमियम स्टील में क्या होता है कि ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर टाइटेनियम होगा सो ऑस्टेनाइट की फॉर्मेशन नहीं होगी स्टेनलेस स्टील में। रिड्यूसिंग मार्टेंसिटिक हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी इन मीडियम क्रोमियम स्टील। सो ये भी हम पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील में, ये भी एक टाइप है स्टेनलेस स्टील का। सो व्हाट इज मार्टेंसिटिक, सो उसमें क्या वो करते हैं, मार्टेंसिटिक जो है हार्डनेस है ना वो कम करते हैं। सो इसको हम डिटेल से हम पढ़ेंगे स्टेनलेस स्टील में। सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, क्रोमियम इफेक्ट, क्रोमियम ऐड करने से क्या होगा, क्रोमियम ऐड करने से हार्डनेबिलिटी बढ़ेगी और आपके पास वेयर एंड टेयर नहीं होगा आपके स्टील। सिलिकॉन ऐड करने से ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यानी कि क्रोजन नहीं होगी। टाइटेनियम ऐड करने से ऑस्टेनाइट को आप प्रिवेंट कर सकते हैं क्रोमियम फॉर्मेशन से ड्यूरिंग द क्रोमियम स्टील, इन द क्रोमियम स्टील। सो मार्टेंसिटिक हार्डनेस को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय एडिंग टाइटेनियम टू द स्टेनलेस स्टील। ओके जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जनरली कंटेन बिटवीन 10 to 20% क्रोमियम एस मेन अलॉयिंग एलिमेंट एंड आर वैल्यूड फॉर हाई क्रोजन रेजिस्टेंस। सो स्टेनलेस स्टील को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर कार्बन तो होता ही है, कार्बन कार्बन और आयरन तो होगा ही। सो इसके अलावा 10 से लेकर 20% तक क्रोमियम जब हम उसमें ऐड करते हैं एज एन अलॉयिंग एलिमेंट, सो उसको हम एक अलग ही कैटेगरी बना देते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, विच इज कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। एसएस के नाम से मशहूर है ये। सो एसएस के यूटेंसिल्स, एसएस के बर्तन, एसएस के स्पून, एसएस के पैन, एसएस के प्लेट्स आपने देखे होंगे। सो एसएस के इवन पाइप्स भी हैं, एसएस के ग्रिल्स भी हैं, चेयर्स भी हैं आपके पास, एसएस के डिफरेंट टेबल्स भी हैं। सो ये आपने देखा होगा। सो अपने रोजमर्रा लाइफ में हम इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है जब
अलाइन करते हैं तो क्रोमियम ऐड करने के लिए जाहिर बात है कॉस्ट बढ़ जाती है. सो इसकी यूजेज आपने कम देखा होगा एज कम्पेयर टू द कार्बन स्टील, लेकिन आपने अपनी रोजमर्रा लाइफ में भी इन चीज़ों को आपने देखा हुआ है. डिफरेंट यूटेंसिल में आपने यूटेंसिल्स के तौर पर, डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स के तौर पर आपने इस चीज़ को देखा होगा. सो स्टील्स को, स्टेनलेस स्टील को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो इसके अंदर 10 to 20% क्रोमियम होता है अदर देन कार्बन एंड आयरन. सो 10 to 20% क्रोमियम जो है ना वो मेन एलॉयिंग एलिमेंट होते हैं. सो अगर क्रोमियम अबव 11% जब ऐड करते हैं तो स्टील इज अबाउट 200 टाइम्स मोर रेजिस्टेंस टू क्रोजन देन माइल्ड स्टील. सो आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि कार्बन स्टील जो है ना वो सबसे लो कार्बन स्टील है, यानी कि सबसे जो लो क्वालिटी के स्टील्स है ना वो कार्बन स्टील है. जब आगे आगे आते जाएंगे आप एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील, सो क्वालिटी बेहतर होती जाती है. सो जो क्वालिटी की अगर बात करें तो सबसे जो लो क्वालिटी के स्टील्स हैं वो कार्बन स्टील्स हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आपने देखा था कि 90% जो आप की प्रोटेक्शन होती है स्टील की वो कार्बन स्टील की प्रोटेक्शन होती है. प्रोटेक्शन इसलिए होती है क्योंकि ये साइज ज़्यादा है, यानी कि लोग इसको यूज़ करते बहुत ज़्यादा, 90% लोग इसको यूज़ करते, तो इसकी प्रोटेक्शन भी 90% है. सो लेकिन उसकी क्वालिटी कम है, कम होती है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील की. अगर बात करें तो कार्बन स्टील की क्वालिटी बहुत कम होती है. सो जब अगर आप क्रोमियम ऐड करते हैं तो 200 टाइम मोर रेजिस्टेंट क्रोजन, क्रोजन के जो रेजिस्टेंस है वो 200 टाइम जो है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील. सो इसको फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑस्टेनिटिक, फेरिटिक एंड मार्टेंसिटिक. सो इसको हम देखेंगे बेस्ड ऑन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. याद रखिएगा कि ये जो तीन टाइप्स है ऑफ स्टेनलेस स्टील के तीन टाइप्स है उसको हम बेस्ड ऑन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, हम इसको तीन टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है. सो बेस्ड ऑन माइक्रोस्ट्रक्चर ईच ऑफ द क्लासेस है डिफरेंट वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स. सो इसके अलग स्ट्रक्चर है, इसके अलग स्ट्रक्चर है और इसके अलग स्ट्रक्चर है. सो डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से उसकी वेल्डिंग रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो जाती है. वेल्डिंग रिक्वायरमेंट का ये मतलब है कि इसके अंदर आप फिलर मटेरियल कौन से यूज़ करते हैं, उसके टेम्परेचर क्या रखते हैं, ठीक है ना. तो ये वेल्डिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप टेम्परेचर किस टेम्परेचर को उसको वेल्ड कर देंगे. मतलब आप फॉर एग्जांपल इसकी रिक्वायरमेंट 500 डिग्री सी पे है या 1000 डिग्री सी पे आप इसको वेल्ड करने की रिक्वायरमेंट है, उसको अगर आप 1500 पे करेंगे तो पूरा मटेरियल ख़राब हो जाएगा. सो उसकी तीनों कैटेगरी की अलग अलग वेल्डिंग रिक्वायरमेंट है. ओके जी, ऑस्टेनिटिक, फेरेटिक एंड मार्टेंसिटिक को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये तीनों स्टेनलेस स्टील के टाइप्स हैं. सो व्हाट इज ऑस्टेनिटिक? सो ऑस्टेनिटिक स्टील आर नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन हीट ट्रीटेबल, जनरली कंटेन 18% क्रोमियम, 8% निकल एंड लेस देन 8% कार्बन. सो इन तीनों पार्ट्स को, इन तीनों जो आपके पास कैटेगरी है स्टेनलेस स्टील की, जो स्टेनलेस स्टील के जो टाइप्स हैं बेस्ड ऑन द माइक्रोस्ट्रक्चर, ऑस्टेनिटिक, फेरेटिक और मार्टेंसिटिक को हम कैटेगरी की इस बुनियाद पर करते हैं कि इसके अंदर क्रोमियम कंटेंट कितना ज़्यादा है. सो ऑस्टेनिटिक में क्रोमियम कंटेंट 18% है, फेरेटिक में 17% तक है, 12% से लेकर 17% तक, और मार्टेंसिटिक में आपके पास 11% से लेकर 17% तक क्रोमियम आपके पास मौजूद होते हैं. सो उसके अलावा कार्बन की अगर बात करें तो 0.8% कार्बन है, 0.1% कार्बन है इसमें, और 1.2% इसमें कार्बन होते हैं. सो इस परसेंटेज को आप बेसिकली मैनली याद रखिएगा कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ निकल आर यूज्ड इन दीज कैटेगरीज, ठीक है. सो इसके अलावा इसको कहाँ यूज़ करते हैं? सो इसको फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट में हम यूज़ करते हैं, किचन यूटेंसिल्स में एंड पाइपिंग में आप यूज़ कर सकते हैं. सो डिफरेंट पाइपिंग में, लाइक पाइपिंग ना सिर्फ आप घर में यूज़ करते हैं बल्कि इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पाइपिंग जो है ना, पाइप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आप पाइपिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ऑस्टेनिटिक
कैटेगरी को कैटेगरी ऑफ स्टेनलेस स्टील आप यूज करते हैं. ऑस्टेनिटिक स्टील्स फॉर्म द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ग्लोबल स्टील ग्लोबल स्टेनलेस स्टील मार्केट एंड ऑफन यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग. अच्छा, इसको ऑस्टेनिटिक में अगर तीनों की बात करें, ये तीनों स्टेनलेस स्टील की बात करें, तो ऑस्टेनिटिक सबसे ज़्यादा एबंडेंटली यूज होने वाले स्टेनलेस स्टील है. फेरेटिक क्या होता है, 12 to 17% आपके पास यहाँ पे क्रोमियम होते हैं. सो इसके अलावा मोलिब्डेनियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम भी अलॉयिंग एलिमेंट होते हैं उसके अलावा भी. सो दिस मैग्नेटिक स्टील कैन नॉट बी हार्डन बाई हीट ट्रीटमेंट बट कैन बी स्ट्रेंथन बाई कोल्ड वर्किंग. ओके जी, कोल्ड वर्किंग होती है. अच्छा, ये इसको हीट ट्रीट नहीं किया जाता, इसको स्टेनलेस स्टील के जो कैटेगरी है फेरेटिक, सो इसको स्टेनलेस स्टील से हम नहीं करते हैं हार्डन, बल्कि कोल्ड वर्किंग से करते हैं. कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग एक प्रोसेस है, एस डेट आर द मेटल वर्किंग प्रोसेस. मेटल वर्किंग प्रोसेस है कोल्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग. सो कोल्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग क्या होती है बेसिकली. कोल्ड वर्किंग इज बेसिकली आप क्रिस्टलाइन टेम्परेचर से अबोव आप हीट करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कूल करते हैं. सो इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, सो डेट इज कोल्ड वर्किंग. सो इसके अलावा आप मार्टेंसिटिक की बात करें, तो डिस मैग्नेटिक एंड हीट डिस मैग्नेटिक एंड हीट ट्रीटेबल स्टील्स आर यूज इन नाइव्स, कटिंग टूल्स एज वेल एज डेंटल एंड मेडिकल सर्जरी. अच्छा, इसको इसमें क्रोमियम जो है ना वो 11 to 17% तक क्रोमियम यूज होता है. उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, वी यूज इन डेंटल सर्जिकल इक्विपमेंट्स में हम यूज करते हैं, डिफरेंट कटिंग नाइव्स बनाने के लिए यूज करते हैं. सो कंक्लूडिंग दिस स्लाइड, सो डिफरेंट कैटेगरी है, तीन कैटेगरी है आपके पास स्टेनलेस स्टील के, ऑस्टेनिटिक, फेरेटिक एंड मार्टेंसिटिक. सो तीनों को आप यूज कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन द कार्बन कंटेंट, सॉरी क्रोमियम कंटेंट. ऑस्टेनिटिक में क्रोमियम कंटेंट जो है ना वो 18% है, फेरेटिक में क्रोमियम कंटेंट 12 to 17% है, मार्टेंसिटिक में आपके पास क्रोमियम कंटेंट 11 to 17% है. उसके अलावा हीट ट्रीटेबल कौन से है कौन से नहीं है, ये आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है. सो ये नॉन हीट ट्रीटेबल है, ये भी आपके पास नॉन हीट ट्रीटेबल है, इसको हम कोल्ड वर्किंग से हीट ट्रीट करते हैं. सो इसके अलावा इसके यूसेज कहाँ कहाँ पे, सबसे अबंडेंट जो यूज करते हैं वो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील को हम अबंडेंटली यूज करते हैं, अदर देन फेरेटिक एंड मार्टेंसिटिक. सो इसके अलावा इसको कहाँ पे यूज करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में यूज करते हैं. सो मार्टेंसिटिक को कहाँ पे यूज करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनाने में और कटिंग गल्फ और कटिंग नाइफ्स और बनाने में यूज करते हैं. ओके जी, इसको कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, एप्लीकेशंस एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, केमिकल प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, होस्ट होल आइटम, डेयरी इंडस्ट्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑयल एंड गैस एंड होस्ट होल इक्विपमेंट्स. सो इसको यहाँ पे पिक्चर भी दिए हुए हैं, इसको एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, केमिकल प्रोसेसिंग में यूज़ करेंगे, और आपने ये देखा होगा ये जो ग्रिल्स बने होते हैं, सो ये भी आपने देखा होगा. सो वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्जिकल इक्विपमेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं करते हैं बेसिकली. आपने अपने आसपास देखा होगा कि कितने यूटेंसिल्स में स्पूंस आपके बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के, और डिफरेंट पैंस बने होते हैं, वो रिलेटिवली इसकी प्राइस हायर होती है. सो वहाँ पे आपने हर जगह देखा होगा, और ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि लाइक ये कोई इंडस्ट्री लग रही है, लेट्स सपोज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहाँ से फूड को और डिफरेंट स्टेप्स को गुजरना होता है बाय मीन्स ऑफ दिस पाइप व्हिच इज. सो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि अच्छा, स्टेनलेस स्टील की जो मेन जो फायदा है ना वो ये है कि क्रोजन फ्री होता है, ये क्रोजन इसके ऊपर नहीं लगता और लॉन्ग लास्टिंग होती है, और उसके बाद ड्यूरेबल होता है, इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है. सो फॉर एग्जांपल ये फूड प्रोसेसिंग में इसलिए यूज़ करते हैं, ऑल्दो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसको लाइक ये क्रोजन नहीं होती है. फॉर एग्जांपल आप फूड प्रोसेसिंग में यहाँ से कोई लेट सपोज यहाँ पे चॉकलेट के लिए कोई ये एक प्लांट है, सो चॉकलेट कोई मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ये क्रोड हो गया, और लेट सपोज यहाँ पे क्रोड होने के बाद
इसके जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो मिक्स हो गए हैं, जो कि आपके पास कंपोजिशन ऑफ द चॉकलेट है. सो आपके पास क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी है वो आपके पास बन के नहीं आएगी. सो वहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है, जहाँ पे क्रोजन आपको बिल्कुल, क्रोजन थोड़े से भी क्रोजन को आप बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. सो लास्ट कैटेगरी ऑफ द स्टील विच इज से टूल स्टील. सो टूल स्टील क्या है बेसिकली? सो टूल स्टील कंटेन टंगस्टन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, वैनाडियम इन वेरियंग क्वांटिटीज टू इंक्रीज हीट रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, मेकिंग देम आइडियल फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट. सो टूल स्टील नाम से जाहिर है कि डिफरेंट टूल्स आपको चाहिए होता है, आपको ड्रिल करने के लिए, आपको मशीनिंग करने के लिए, मेटल को कट करने के लिए, मेटल के अंदर कोई होल्स बनाने के लिए, मेटल के अंदर डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाने के लिए आप जब टूल्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप टूल स्टील को यूज़ करते हैं. उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? स्लाइली चेंज टू फॉर्म ड्यूरिंग हार्डनिंग. अच्छा, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, हार्डनिंग है ये भी हार्डनिंग है, ये भी हार्डनिंग है, अच्छा गलत लिखा हुआ है. स्टील स्लाइट चेंज ऑफ फॉर्म ड्यूरिंग हार्डनिंग, लिटल रिस्क ऑफ क्रैकिंग ड्यूरिंग हार्डनिंग, गुड टफनेस, गुड वायर रेजिस्टेंस, ए गुड मशीनेबिलिटी, अ डेफिनेट कूलिंग रेट ड्यूरिंग हार्डनिंग, अ डेफिनेट हार्डनिंग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ सॉफ्टनिंग एंड हीटिंग. अच्छा, जब जब आप नीचे आते जाएंगे तो इसकी जो हार्डनेस है, इसकी स्ट्रेंथ है, वो आप बढ़ती जाती है. सबसे जो कम लो क्वालिटी की जो स्टील है वो आपके पास कार्बन स्टील है. ऑल दो इसकी यूजेज ज़्यादा है, 90% आपने कहा था, 90% इसकी यूजेज है, लेकिन फिर भी इसकी यूसेज ज़्यादा है, लेकिन 90% इसकी यूसेज है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत कम है. लेकिन टूल स्टील की प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. प्रॉपर्टीज इसको, इसकी अलग अलग से डिस्कस की गई है. इसकी टफनेस ज़्यादा होती है, वेयर रेजिस्टेंस अच्छी होती है, मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, गुड डेफिनेट कूलिंग रेट, डेफिनेट हार्डनिंग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस टू सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग. अच्छा, इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? सो टैब ड्रिल्स, आपने देख, ये पिक्चर्स भी आप देख रहे हैं कि ड्रिल्स, रिमर्स और डिफरेंट ड्रिल्स को बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं. अब फॉर एग्जांपल बहुत ही स्टेनलेस स्टील के अंदर, स्टेनलेस स्टील आपने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और एलॉयिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको एज कम्पेयर टू कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी हार्ड. सो स्टेनलेस स्टील हार्ड होने के बावजूद अगर इसके अंदर कोई मशीनिंग करनी है, इस हार्ड स्टील के अंदर कोई होल करना है, कोई ड्रिल करना है, सो इसको हम क्या करेंगे, एक टूल बनाएंगे विच इज मेड अप ऑफ टूल स्टील, जो कि टूल स्टील से बना होगा. जनरल टूल एंड डाई एप्लीकेशन, डाई वर्क टूल फॉर हॉट फोर्जिंग मशीन, हॉट ट्रिमिंग टूल, न्यूमेटिक टूल, पंचेस एंड डिफरेंट आपके पास टूल्स मटेरियल है, डिफरेंट डाई एंड पंचेस वगैरह. सो इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप टूल स्टील को यूज़ करेंगे. सो कंक्लूडिंग द लेक्चर, आपने स्टील्स पढ़े, स्टील के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, स्टील की कैटेगरी पढ़ ली, कार्बन स्टील आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ बेसिकली स्टेनलेस स्टील, व्हाट इज़ एलॉय स्टील एंड व्हाट इज़ टूल स्टील. सो कार्बन स्टील बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट है यहाँ पे समझने के लिए. कार्बन स्टील की कैटेगरी को आप देख लें, उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है. सो स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए. सो उनमें याद रखने वाली चीज़ें ये है कि इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना ज़्यादा है, कितना कम है, और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कंटेंट कितना ज़्यादा है. सो इसके डिफरेंट टाइप्स, मार्टेंसिटिक और फिर उसके और बाकी जो टाइप्स है वो आप देख लीजिए. और कार्बन स्टील में जो लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट कितना ज़्यादा है और उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उनके एप्लीकेशंस आप याद रखें. सो दैट्स इट, बाकी थैंक यू सो मच.